इस वक्त बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए, कई बड़े फैसले लिए गए। मोदी कैबिनेट ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। 14 फसलों के लिए एमएसपी मंजूर कर ली गई है। अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है। 14 फसलों के लिए एमएसपी मंजूर हो गई है। धान की नई एमएसपी 2300 रुपए है। कपास की एमएसपी की बात करें तो 501 रुपए बढ़ोतरी की गई है। रागी की एमएसपी 4290 रुपए की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त, कई फसल है जिनकी एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। तो 5 बड़े फैसले जो अश्विनी वैष्णव ने जिसकी जानकारी दी है, 5 बड़े फैसलों के बारे में, जिन जिन फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है उनमें धान है, कपास है, रागी है, ये मुख्य फसल है। कुल 14 फसल ऐसी जिनकी एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। ये सभी रबी की फसलें हैं। धान की नई फसल जो कि खरीफ फसल है, इस पर 2300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आज जो एमएसपी डिक्लेयर हुई है वो है धान। सबसे पहले धान का नया एमएसपी, पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, विच इज 117 रुपीज इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस एमएसपी। आप इसको 2300 को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे, दैट इज अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1310 रुपीज, 1310। यानी कहां 1310 था और कहां आज 2300 है। किस तरह से किसान भाइयों के लिए, किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का हमेशा एक स्पेशल फोकस रहता है, ये इसको इसका एमएसपी 7121 और एक दूसरी वैरायटी है उसमें 7521 रुपीज डिक्लेयर किया है, जो कि 501 रुपए ज्यादा है, 501 रुपीज ज्यादा है कंपेयर टू द प्रीवियस एमएसपी। अगेन टू गिव द कॉन्टेक्स्ट, 2013-14 में एमएसपी वाज ओनली 3700 रुपीज। जो मिलेट्स हैं, आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने मिलेट्स के प्रोडक्शन, मिलेट्स की प्रोसेसिंग और दुनिया भर में मिलेट्स के जो पॉजिटिव बेनिफिट्स है उसको एक अलग ही तरीके से प्रोत्साहन दिया है, अलग ही तरीके से एनकरेज किया है। इस एनकरेजमेंट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है आज का कैबिनेट का फैसला भी। ज्वार 3371 रुपीज, रागी 4290 रुपीज, बाजरा 2625 रुपीज और शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, जो उम्मीद जताई जा रही थी कि कई फसलें हैं जिनकी एमएसपी बढ़ाई जाएगी, उसी आधार पर कैबिनेट में देखने को मिला कि 14 फसलें हैं जिनकी एमएसपी बढ़ा दी गई है, मोहर लग गई है। और साथ ही केंद्रीय मंत्री ये भी बता रहे हैं कि 2014 से लेकर अभी तक में कितनी बढ़ोतरी हुई है और क्या अहम मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान देने वाली बात है आज की कैबिनेट मीटिंग के दौरान। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके आवास पर आज घंटों आज बैठक हुई है, जिसमें कि कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें जो बड़े फैसले लिए गए उसमें 5 महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं उन 5 महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में बताया गया कि किन किन सेक्टर में वो बढ़ोतरी की गई है, बेहतर किया गया है। और जिस तरह से एक अनुमान लगाया जा रहा था कि जब चुनाव हो रहा था उस चुनाव के दौरान में ही मोदी सरकार के द्वारा बकायदा उस वक्त में ऐलान किया गया था कि हमारी जो निर्णय है वो आने वाले दिनों में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा और सरकार गठन के 100 दिनों के पहले ही बकायदा वो काम जो है वो इम्प्लीमेंट भी किए जाएंगे, वो दिखेंगे भी। तो विकास से जुड़े हुए तमाम मसलों पर जिस तरह से बात करें, किसानों से जुड़े मसले की बात करें, किसानों के पहला सिग्नेचर हुआ, किसानों को जो किसान सम्मान निधि की राशि है वो ट्रांसफर करने को लेकर हुआ कैबिनेट में पहला सिग्नेचर, और दूसरा जो फैसला लिया गया है वो ये कि 14 फसल एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया, जिसमें धान है, कपास है मुख्य रूप से, ये वो फसल हैं जिन पर भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से निर्भर है, बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़े हुए हैं और साथ ही मिलेट्स में शामिल कई फसलों के दाम भी बढ़ाए गए हैं।